बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जी सर, पहले आप मीडिया भाइयों को हम प्रणाम करते हैं और आप लोगों का साथ से सबसे प्रणाम करते हैं मीडिया भाइयों में। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हुए हैं कि मेरी जो पत्नी है स्वाति सिंह का अपहरण जीवन यादव ने किए हैं और जीवन यादव अपने कब्जे में रख के अपने कब्जे में रखे हुए हैं। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो भी जीवन यादव अपने दबाव में पत्नी को आज एक हफ्ते से रखे हुए हैं और एक हफ्ते से उसको टचर देके और अपने दबाव में उसको बोले जा रहा है कि भाई तुम नहीं कभी ससुराल के हो सकती हो और नहीं कभी अपने मायके के हो सकती हो, कहीं के नहीं हो सकती हो, मेरे दबाव में रहो और मेरे पक्ष में नहीं बोल सकती हो तो कहीं के तुम नहीं रह पाओगे। आज भी दबाव में दिया गया है, आज भी दबाव में रखा गया है और हम यही बोलना चाहते हैं कि आज जो भी डेढ़ महीना एक महीना से जीवन यादव मेरे पत्नी को ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करके बोलते थे कि तुम मेरे से बात नहीं करोगी, उसमें जो एक बीच में मेरी फुआ है उसकी नाम अनिता देवी है, वो बीच में डेली फोन करती थी और बोलती थी कि बात कर लो और उसका जो माइंड वॉश करने की काम अनिता ने करती थी, माइंड वॉश करके बोलती थी जीवन यादव से बात करो, नहीं बात करोगे तो वो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे सास ससुर को और तुम्हारे ससुराल वालों को सबको मार डालेंगे। हमको भी जीवन यादव कम से कम 25 बार 20 बार धमकी दिए हैं और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जो भी ऑडियो उनको रिकॉर्डिंग है और हम एसपी महोदय से, थाना अध्यक्ष महोदय से और सिवान वासियों से और मेरे जनता से सबसे कह रहे हैं कि जो भी मेरे पत्नी के पास नंबर है, जीवन यादव के पास 15 नंबर है, उनका जो अजय यादव जो है उनका पीए 15 नंबर देते थे, 15 नंबर से जीवन यादव ने बात की है, मेरे पत्नी को दबाव दिए हैं कि नहीं बात करोगी तो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे सबको मार डालेंगे। और हम यही प्रशासन से और एसपी साहब से और नीतीश कुमार जी से, तेजस्वरीवाद सबसे माध्यम से मांगना यही चाहते हैं कि इसके CDR जांच कराए जाए, कॉल रिकॉर्डिंग का CDR जांच कराइए। मेरी पत्नी का जो नंबर है, जीवन यादव का जो नंबर है, वो जांच कराया जाए कि कितना देर बात हुई है, कितना धमकी दिए हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कितना वो धमकी दिए हैं वो देखा जाए, धमकी एक जांच कराया जाए। और डेढ़ महीना एक महीना से वो ब्लैकमेल करते थे और जीवन यादव के आज भी, जीवन यादव से आज भी वो शादी कर ली है, जीवन यादव जबरदस्ती शादी किए हैं बिना मेरे तलाक के। आज भी हम अपने पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते हैं, आज भी अपने पत्नी को डिवोर्स देना नहीं चाहते हैं। और हम प्रशासन और एसपी साहब से यही बोलना चाहते हैं कि वो भगा के शादी जबरदस्ती कर लिए हैं। और ये पता कीजिए जीवन यादव, इसके पहले हम आप लोग के पास ऑडियो दे रहे हैं, ऑडियो पर हमको कितना धमकी दिया गया है, पूरा जनता को यहाँ बोला गया है कि सिवान जिले में हम सबको कुछ किसी को कुछ नहीं मानते हैं, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं, पैसे के बल पे तुमको कुछ भी करवा देंगे, पैसे के बल पर तुमको जान से धमकी मार देंगे, जान से मार देंगे। आज भी हम सबसे बोलना चाह रहे हैं कि वो आज भी हमको धमकी देते हैं और आज भी उनसे हम बोलते हैं प्रशासन से और एसपी साहब से कि मेरी रक्षा किया जाए जीवन यादव से और उनका CDR निकाला जाए। और वो जो भी हमसे पत्नी के दबाव में आज भी रखे हैं और पत्नी के दबाव में अपने साथ रखे हैं और जो भी आज 164 जो करवाए हैं कोर्ट में, वो अपने उनके जो भाई गुड्डू यादव हैं सबको दबाव में लेके, मेरे पत्नी को दबाव में लेके गए थे। मेरे पत्नी के साथ 150 लोग रखे थे आगे पीछे दबाव में देके, कम से कम 150 लोग रखे थे, 150 लोग के दबाव में देके उनको, उनके जो भाई हैं बाहर नगर परिषद जो परिषद के बाहर न्याय के बाहर पैसा बांटते हुए, मेरे पास वीडियो है, पैसा सबके पैसा के बॉल पे बांट के सब कुछ पैसा बांट रहे थे, बाहर पैसा के पैसा बांट रहे थे, इधर बांटते और खुशियाँ मना रहे थे। बताइए जीवन यादव के भाई इसमें सब कुछ करके आए हैं, जीवन यादव आज जो बहानाबाजी मार रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, खुद देखा जाए। और हम यही एसपी साहब से प्रशासन से मांगना चाहते हैं और जरूर ये बोलना चाहते हैं सिवान वासियों से, सिवान की जनता से जरूर ये बोलना चाहते हैं, जो जीवन यादव समाज सेविक नहीं है, वो समाज सेविक करने नहीं है,
एक झोला पहन के आए हैं, भेष बना के आए हैं, आज मेरे पत्नी के साथ किए हैं, कल आप और कल दूसरे माताओं और बहन के साथ करेंगे, सीमावासियों के साथ कल दूसरे का साथ करेंगे। और मैं ही पूछना चाहते हैं, किस चीज़ के आप सेवक हैं जीवन यादव? किसी का परिवार बिगाड़ दिए आप, किसी का परिवार बिगाड़ दिए, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ आप कर दिए। हमें पूछना चाहते हैं सिवान के जनता से, जनता इसको देखना चाहते हैं कि जीवन यादव समाज सेविक नहीं है। हमारी पत्नी आरोप लगाई है कि हम मारते हैं, पीटते हैं, उसको मारते हैं, टचर किए हैं, उसका मेरी पत्नी का मेडिकल कराया जाए, जांच कराया जाए। आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से, एसपी साहब के सहयोग से, डीएम साहब के सहयोग से, पूरा प्रशासन के सहयोग से उसका मेडिकल करा के देखिए कि कितना उसको टचर किया गया है, दबाव में आके बोली है। किस तरह का ऑडियो है, क्या किसने कहा गया? मेरे आज ऑडियो जो भी ऑडियो में लिया गया है, ऑडियो में आज जो मेरे एमपी साहब हैं, जो रामा जी जो मेरे चाचा हैं, उनके बारे में नाम लिया गया है कि हम किसी को नहीं समझते हैं। एमपी साहब मेरे आगे कुछ नहीं है, मोहम्मद साहबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, जो वो बोलेंगे मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कोई मेरे आगे कुछ भी नहीं है। पैसा के बॉल पे जो भी विपक्ष में आएगा उसके पैसा के बॉल पे हम खरीद लेंगे, पैसा के बॉल पे कुछ भी कर सकते हैं, पैसा के बॉल पे कुछ भी तुम करा सकते हैं। ऑडियो आज 20 दिन पहले का है, 20 दिन पहले ऑडियो सही है आपके पास, सब रिकॉर्डिंग ऑडियो सब मीडिया भाइयों के पास अभी हम आपको दे रहे हैं, ऑडियो दे रहे हैं। आखिर आपकी पत्नी जीवन यादव से संपर्क में कैसे? जी मेरे पत्नी जीवन यादव से आज जो हम अपने पत्नी को सिवान भेजे हुए थे, मेरे पत्नी अनीता देवी सिवान उनके पास एक फुआ के पास रहती थी, उनके थ्रू मेरे फुआ के थ्रू उनको मिला गया। फुआ के थ्रू जीवन यादव ने बताया कि पत्नी से बात कराया जाए, पत्नी से बात करा के पत्नी को टचर किया गया, पत्नी को बोला गया कि हम जमीन इतना खरीदते हैं, जमीन इतना पैसा कमाते हैं, जमीन में किसको धपवा भी देते हैं। पत्नी से संपर्क मेरी अनीता देवी ने कराया, मेरी फुआ थी जी, जीवन यादव को जानती थी, जीवन यादव से पहले से बात करती थी, जीवन यादव से पहले आज भी बोल रहे हैं। सीडीआर निकलवाइए, वो बमनौली के रहने वाले, यूपी के रहने वाली है, सिवान में अयोध्यापुरी में रहती है जी, जी उसके पहले सब भक्त था जी, खुरमाबाद जो अयोध्यापुरी है, खुरमाबाद जी जी। अच्छा ये नहीं, जमीन हमारी पत्नी से पैसा लिया गया है, कितना पैसा लिया? वो 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। वो क्या बोलते थे कि तुम्हारी पत्नी के पास फोन कर रहे हैं पैसा के लिए, जमीन लेने के बाद वो हमको बोलते थे कि मेरा सीबीआई जांच कर रहा है, इनकम टैक्स जांच कर रहा है, और अजय के खाते में भेज दो, राजू के खाते में भेज दो, इसके खाते में भेज दो, खाते पे हम नहीं लेंगे पैसा, हमको कैश चाहिए। हम बोले कि इनकम टैक्स पे हम भी आ जाएंगे, आपको कोई प्रूफ देंगे, मेरे पास हम कैश किसी को नहीं देंगे तो कैश नहीं दे पाएंगे, हम भी कल इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। वो बोले हम दायरे में आपसे कैश लेंगे। तो अनीता देवी और मेरी पत्नी को ब्लैकमेल किया गया, उसको वास किया गया कि नहीं कैश दिया गया। एक कट्ठा जमीन दिए हैं स्वाति कुमारी के नाम से, 10 दूर जमीन दिए हैं अनीता कुमारी के नाम से, 10 दूर जमीन दिए बिंदा कुमारी के नाम से, दोनों बिंदा कुमारी जो स्वाति के मम्मी हैं दी। सबसे पैसा लेके इन लोग अनीता देवी और फुआ इसमें ऑनर में वो 4-4 लाख रुपए लिए हैं, 4 लाख एक बार लिए हैं, 4 लाख एक बार लिए जी, इसलिए नहीं लिए हैं। ये जमीन जो सवित्री नहीं है, सुमित्रा के पीछे आप सबसे जी, सुमित्रा के सबसे लास्ट में जाइएगा, उसके पहले उनका एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ दिखाए थे, वहीं पे लिया गया। उसी जमीन के वजह से उनसे बात हुआ, जमीन के जो बात करनी, जो मेरी पत्नी है स्वाति कुमारी सिंह उससे बात करने लगी जनिता के थ्रू। और पैसा हमसे इतना ही बोलते थे कि हम किसी पे पैसा नहीं मंगाएंगे, मेरे पे इनकम टैक्स छापा मारती है, मेरे पे ए मारती है छापा, आप हमको कैश दिया जाए। और इतना ही बात डेली करवाते थे 20 दिन से कि आप नहीं बात करोगी। हमारी पत्नी को इतनी दबाव दिए हैं, आज भी मेरी पत्नी उनके गर्भ में है,
आज भी हमारी पत्नी को रक्षा प्रशासन करे। ये रिश्ते का पता आपको कब चला, ये रिश्ते का पता कब चला कि आपकी पत्नी उनकी बातों में मोटिवेट होकर? आज मेरी पत्नी को एक महीना पहले पता लगा, वो भी पत्नी डर के मारे प्रशासन को सूचना दिया। पत्नी नहीं डर के मारे नहीं बताती थी, पत्नी डर के मारे मेरे से नहीं बताती थी। एक बार फोन किए थे कि तुमको मार डालेंगे, मेरे सास के पास भी फोन किए थे, मेरे ससुर के पास भी फोन किए थे कि तुमको मार डालेंगे तुम हमसे बात नहीं कराओगे। मेरी पत्नी को जी मेरी जी हम उसमें यही कहना चाहते हैं कि जो पत्नी मेरी बोली है, स्वाति कुमारी सिंह जो बोली है मीडिया के सामने आके कि हम जीवन यादव को नहीं जानते हैं, जीवन यादव समाज सेविक हैं, हम इसलिए वो प्रूफ करना चाहते हैं कि जीवन यादव को नहीं जानते हैं तो CDR जांच करा जाए। जो मेरे पास ओडी है देख लीजिए, कैसे आप नहीं जानती हैं? आप नहीं जानती हैं तो मीडिया के सामने बोल दी कि आप नहीं जानती हैं, ऑडियो का प्रूफ करके देखिए, CDR जांच कीजिए। ऑडियो में देखिए कि बातचीत स्वाति कुमारी और जीवन यादव ने बात की है, उसमें देखिए आप खुद ही मेरी पत्नी। एक चीज और कि जब आदमी बालिग हो जाता है तो वो अपना फैसला जिंदगी का खुद कुछ ले सकता है, उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए, अगर वो जिधर जाना चाहे, चाहे आपके तरफ चाहे उनके तरफ जी, तो ये क्या सही नहीं है? क्या आपका नहीं बालिग के तरफ में उसको ले गया गया है, क्योंकि कोर्ट में बयान, कोर्ट में बयान दिए गए हैं। कोर्ट में कम से कम जीवन यादव को पूरा जनता देख रही है और पूरा मेरी मालिक देख रही है कि जीवन यादव कितना धोखा लोग से किए हैं। आज मेरी पत्नी के साथ किए हैं, कल दूसरे पत्नी के साथ करेंगे, कल दूसरे माताएं बहनों के साथ करेंगे। कैसे आपको लगता है? हमको इतना ही लगता है कि जो किए मेरी पत्नी वहां पे गई, उसको पहले वास किए हैं, 7 दिन से रखे थे, आज भी बोल रहा है कि जीवन यादव उससे शादी कर लिया, लेकिन हम डिवोर्स नहीं देना चाहते, नहीं हम छोड़ना चाहते हैं। आज के डेट में कोर्ट में कहा गया है कि आपके साथ नहीं रहना चाहिए। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम नीतीश कुमार के पास जाएंगे, CM के पास जाएंगे, तेजस्वी के पास जाएंगे। सिवान प्रशासन पे 100% भरोसा है और SP साहब पे भरोसा है कि मेरी जाँच जो है CDR जाँच कराई जाए। जो भी बात हुई है जीवन यादव से, मेरी पत्नी का नंबर है, 15 नंबर जीवन यादव के है, जो अजय यादव उनके पिए हैं वही बात कराते थे, बोलते थे कि ये नंबर से बात हो रही है, इस नंबर से बात करती थी, इस नंबर से बात करके इतना ही हुआ था कि उसको इतना दबाव दिया गया है कि तुम नहीं मेरे से बात करोगी तो तुम्हारे पूरा परिवार को हम मार डालेंगे। अब फिर आप आवेदन देकर के फिर जी हम कोर्ट में आवेदन देना चाहते हैं कि आज भी प्रशासन को जो भी उसको अपने तरह से वास करके ले गए हैं कि तुम अपने स्वर्ग से रहना, बालिका हो अपने स्वर्ग से रहना चाहती हो, वो गुड्डू जो उनके भाई हैं वो लेके गए हैं, कहाँ रखे हैं, अपहरण करेंगे कि क्या करेंगे, वो तो प्रशासन जानती है और प्रशासन देख रही है। हम आज भी बोल रहे हैं कि हम पत्नी को कभी नहीं छोड़े हैं, थाना पहुंचाई है, थाना भी हमको नहीं बोली है, कहीं कुछ नहीं बोला है, मेरी पत्नी है, कहीं कुछ नहीं बोला गया कि कहाँ उसको रखा गया। आज भी हमारे चिंता है, दोषी जीवन यादव, जीवन यादव दोषी, इसलिए मेरी प्रशासन भी हमसे नहीं बताइए कि आपको पत्नी को कहाँ ले जा रहा है। 164 की बयान दिला के हमसे हटा के 150 जीवन यादव का लोगों थे, कोर्ट में थे, कुछ पुलिस हमको कुछ नहीं बताई है, प्रशासन हमको कुछ नहीं बताई है कि कहाँ ले गया गया, क्या किया गया है, कहाँ मेरी पत्नी को रखा गया, ये हमको नहीं प्रशासन से बताई गई है। हम SP महोदय से यही बोलना चाहते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ गई है, कोर्ट से कहाँ गई है, ये हमको पता नहीं। पुलिस बोली थी कि आए ना, पुलिस आने के बाद हम गए, पुलिस के आने के बाद उसको दबाव में दिया गया था, पत्नी 150 लोग के बीच में, जीवन यादव के लोगों ने 150 आदमी थे, उसको 150 लोगों जब उसको घेरे में बांध में रखेंगे किसी भी इंसान को तो उसका वास करेंगे तो कहीं भी इंसान घबरा जाएगा। आप बताइए सर, जब वास किया जाएगा और उनके भाई जो हैं पैसा के बॉल पे हर जगह पैसा के बॉल पे फरफरा के दिखा रहे हैं कि पैसा के बॉल पर देखो तुम्हारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करके दिखा दिए। और हम इतना ही बोलना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कि जो जीवन यादव मेरे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किए हैं, कल इस जनता जो सिवान की जनता है जाग उठे, जागरूक हो जाए और जागरूक होकर देखिए कि जीवन यादव समाज सेविक नहीं है, जीवन यादव
किसी भी माँ बहन के साथ जबरदस्ती बात करते हैं, जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल करते हैं और किसी भी स्वाभिमान के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। उनके लोगों का कहना है जी, नाम ले रहे हैं, उनके लोगों का कहना है कि जमीन जो है आपको और आपकी बुआ और एक और व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, महिला का नाम ले रहे हैं जी, उन लोगों को जमीन दिया गया है, केवल रजिस्ट्री का वो लोग पैसा दिए हैं, बाकी पैसा नहीं दिया गया। बिल्कुल पैसा उनको दिया गया, सबूत है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जीवन या तो खुद ही बोले थे कि हमको सबूत की जरूरत नहीं है। अनीता जो है खुद ही उनसे कांटेक्ट में थी और मेरी पत्नी को वास किया जाता था। जिस दिन जीवन यादव लिखवाने आए थे रजिस्ट्री करने, उस दिन 50,000 रुपये उनको दिया गया हाथ में, जिस दिन रजिस्ट्री किए थे जी। उसके बाद अनीता को और स्वाति कुमारी जो मेरी पत्नी वास करके, उसको बोला जाता था रात में 20 दिन पहले किसी भी गैर मर्द पत्नी के पास 11 बजे फ़ोन करेगी और बोलेगा कि पैसा के लिए फ़ोन कर रहा है, ये बताइए गलत है कि नहीं। किसी भी इंसान 11:20 में मेरे पत्नी के नंबर पे फ़ोन आ रहा, जो फ़ोन हम उठाया, जीवन यादव की आवाज़ था, आज भी वो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, CDR कराया जाए। उसके बाद हम यही बोले कि उनको पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये लोग दोनों आदमी हमको वास करके बोले कि नहीं, उसके साथ हम लोग काम करना चाहते हैं, पैसा उनको कैश देना है, उनको कैश पैसा चाहिए, उनका छापामारी हो जाएगी। अनीता और स्वाति कुमारी सिंह जी जी मेरे को वास करके कि उनको कैश देना है 4,000,000 रुपये। हम यही चाहते हैं कि सिवान की प्रशासन, सिवान के SP साहब, मेरी न्याय किया जाए और मेरी पत्नी को जान से मारने के लिए और हमको जीवन यादव ने धमकी दी है और हमको जीवन यादव ने और प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। और एक बार यही बोलना चाहते हैं मेरे सिवान वासियों से कि आज मेरी इज्जत गया है, कल दूसरे के इज्जत जाएगा जीवन यादव से। जीवन यादव समाज सेविक नहीं है, ये जरूर मेरी जनता सुने और मेरी जरूर बहन सुने और मेरी जरूर बताएं सुने और मेरी माता सुने, बहन सुने, सबको मेरी सिवान जिले से निवेदन है। मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है, आपको भी खतरा है, मेरा भी जान का खतरा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं जीवन यादव हमको कभी भी मार सकते हैं, जीवन यादव कभी भी मेरा हत्या करा सकते हैं।